जनपद में 39 केंद्रों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि लेखपाल परीक्षा में 18,613 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, जिसमें से 16,500 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। 2,079 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था, जो कि भ्रमणशील रहकर केंद्रों का जायजा ले रहे थे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया था, जिसके संबंध में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर अच्छा आया था, कुछ सवाल कठिन और कुछ सवाल आसान थे। उन्होंने कहा, लग रहा है कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि पेपर आसान आया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लेखपाल भर्ती परीक्षा देने वाले शिवम मिश्रा और रजनीश मिश्रा ने कहा, रजनीश मिश्रा, पेपर अच्छा था, किस तरह के क्वेश्चन आए? क्वेश्चन आसान भी थे और कुछ कठिन भी थे। इससे पहले एग्जाम दिया? हाँ, इससे पहले मैंने कई एग्जाम दिया है। क्या लग रहा है पेपर देख के? पेपर देख के मतलब लग रहा है कि इसमें मतलब क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छे आए थे, और मतलब लगता है कि वो। शिवम मिश्रा, आज थी लेखपाल की परीक्षा, यूपी लेखपाल। किस तरह के क्वेश्चन आए? क्वेश्चन काफ़ी सरल थे, बस ग्रामीण परिवेश थोड़ा टिपिकल थे क्वेश्चन, ग्रामीण परिवेश के। इससे पहले एग्जाम दिया ये? नहीं, इससे पहले एग्जाम नहीं दिया था मैंने। क्या लग रहा है पेपर देख के? लग रहा है कटाप बहुत ज़्यादा जाने वाली है इस बार, क्योंकि हिंदी मैथ्स और सब सारे सेक्शन बहुत ईजी थे। अगर ग्रामीण परिवेश को हल्का सा छोड़ दिया जाए, मॉडरेट लेवल का था।